तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 59 रुपीज 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर ऊपर में अब एक रुकावट रेंज बन चुका है 61 रुपीज पर। पहले इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल था जहां पर स्टॉक इस प्राइस को रीटेस्ट करने के बाद एक बाउंस बैक दिखा रहा था, पर जब स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया तो नीचे में 57 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट करता है और यहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक 61 रुपीज तक तो आता है पर ऊपरी लेवल पर इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा और स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 57 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 61 रुपीज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो 69 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब ही देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 61 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है और कुछ इस प्रकार का सपोर्ट लेवल जनरेट करेगा तो वहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है।